Hello and good morning to you all. This is Karishma Shukla. Today we are going to learn in our subject DSS and our unit is Introduction to Pre-Engineered Building. ये नया unit है, नया chapter है, as well as इसमें आपको basically characteristics और इसके uses, इसके definitions यही सब कुछ जानना है. तो अपन को basics ही पढ़ना है, इसमें designing नहीं करना है. So start करते हैं. अपना topic है Introduction of प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग. सो फर्स्ट अपन आ जाते हैं डेफिनेशन पे. तो डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं. तो इन शॉर्ट, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग को आप पीईबी भी बोल सकते हैं. बेसिकली ये बिल्डिंग क्या होती है, जो ऑलरेडी फैक्ट्री मेड या पहले से ही अपन ने बना के कहीं से ला करके बस उसको इंस्टॉल कर लिया. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक पजल्स भी लाते हैं, जैसे कहीं से मार्केट से अगर आप पजल्स पर प्रिपेयर करते हैं तो पजल्स पहले से ही फिक्स रहता है, सॉल्यूशन तो आपके पास रहता है, बट अपन क्या करते हैं उसको केवल सेट करते हैं ना, उसको इनिशियली जो भी उसका शेप है उस पर अपन फिक्स करते हैं उसके टुकड़े तोड़ तोड़ के. ऐसे ही सिमिलरली फॉर एग्जांपल फ्लाईओवर्स हैं, जो बड़े बड़े ब्रिजेस हैं, या जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कि अपन जैसे पढ़ते हैं ना वेल फाउंडेशन के बारे में. वेल फाउंडेशन के केस में क्या होता है, पहले से ही फाउंडेशन बना के लाया जाता है, उसको फ्लोट कराया जाता है और फिर उसके बाद जिस जगह चाहिए होता है उस जगह जा करके उसको इंस्टॉल कर दिया जाता है और फिर कॉन्क्रीट डाल के उसको फिक्स कर देते हैं. यही काम है. तो मतलब प्री इंजीनियर्ड है, पहले से बना हुआ है. सो सिमिलरली इसमें क्या लिखना है अपन को, द प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग पीईबी इज अ कमर्शियली डिजाइन स्ट्रक्चर फैब्रिकेटेड बाय सिविलियन इंडस्ट्री टू कॉन्फ्रंट टू आर्म्ड फोर्सेस स्पेसिफिकेशंस. अब देखिए बेसिकली अगर आप इसका एग्जांपल लेंगे तो आपका जो वाटर टैंक्स हैं, लेकिन स्टील वाटर टैंक्स, वो क्या है, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग है. उनके साथ में क्या होता है कि आपके पास स्टील के टुकड़े आएंगे, आपको केवल क्या करना है, बोल्टेड या वेल्डेड जो भी कनेक्शंस हैं या रिवेटेड उन कनेक्शंस से उनको फिक्स करना है जैसे उनका मैनुअल आएगा उस हिसाब से, और बस आपकी बिल्डिंग रेडी. ठीक है. तो अब इसमें देखिए, द एडवांटेज ऑफ अ प्री इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर इज दैट इट इज़ डिज़ाइंड फॉर एरेक्शन इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल. अब देखिए, एक होगा कि अपन कोई बिल्डिंग को बना रहे हैं और एक होता है अपन सिर्फ उसको जोड़ रहे हैं. तो टाइम किस में कम लगेगा, जिसको अपन सिर्फ जोड़ रहे हैं, है ना. सो नेक्स्ट, ईच प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग इज शिप्ड एज अ कम्प्लीट बिल्डिंग किट इंक्लूडिंग ऑल नेसेसरी मटीरियल्स एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर एरेक्शन. अब देखिए, अगर आप कोई भी एसेसरीज लाते हैं जिसको आपको पूरा का पूरा सेट करना होता है, एग्जाम्पल ये ले लीजिए कि अगर आप मोबाइल भी लाते हैं तो इन दैट केस यू हैव टू एसेसराइज, है ना, उस सिम और मेमोरी कार्ड वगैरह ये सारी चीज़ें आप डालते हैं. इसके अलावा कौन से ऐप्स की नीड है, क्या है, वो सारी चीज़ें आप डालते हैं. अब अगर ये एग्जाम्पल उससे उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कि अपन के पास क्या है कि इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, उसने एक मैनुअल दे रखा है किस तरह से क्या क्या आपको कहाँ कहाँ सेट करना है, एज वेल एज उसने सारी जो भी आपको बिल्डिंग किट है. बिल्डिंग किट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपनी जो कॉलम्स हैं या बीम्स के बीच में जो फाउंडेशन दे रहे हैं या कोई कनेक्शंस प्रोवाइड करने के लिए अपन को बोल्टेड या नट्स की ज़रूरत है, बोल्ट्स एंड शेल नट्स की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें ये पहले से ही प्रोवाइड करेगा आपको. ठीक है. नेक्स्ट इसी में देखते हैं, द टिपिकल पीबी इज 40x100 foot स्ट्रक्चर, बट ए स्मॉलर 20x48 foot वर्जन पीबी यूजेस द सेम इरेक्शन प्रिंसिपल. मतलब अपना जो मतलब मेनली जो बिल्डिंग है वो 40x100 foot तक की बनती है, बट इसका स्मॉलर वर्जन 20x48 का भी बनता है, जिसके लिए सेम प्रिंसिपल्स हैं दोनों को सेट करने के लिए, दोनों को डिज़ाइन करने के लिए. अपने पास लेआउट एंड एरेक्शन ऑफ आइदर साइज पीईबी इज नॉर्मली असाइन टू बिल्डर्स वर्किंग इन कंजक्शन विथ स्टील वर्कर्स. फॉर एग्जांपल अगर आप देखा जाए तो स्टील ब्रिजेस जो रेलवेज में बनते हैं, आपने देखा होगा उसमें स्ट्रट्स एंड ट्रस वगैरह यूज़ होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, वो इनिशियली पूरे एसेसरीज वहाँ जाके सेट थोड़ा ना करते हैं, वो तो केवल क्या करते हैं उसको कनेक्शन फिक्स करके फाइनल करते हैं, ना कि उसको पहले वहाँ पे वेल्डराइज करेंगे या फिर वो पहले आई सेक्शन को कनेक्ट करेंगे. वो एज इट इज़ बना बनाया ट्रस लेकर के जाते हैं, केवल उसको वहाँ पे इनिशियल जा करके सेट करते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है उसके लिए आपका लेआउट अलग से देना पड़ेगा, है ना, उनमें ये चीज़ नहीं आएगी. नेक्स्ट,
Although the unit length of a building is 100 feet, the length can be increased or decreased in multiple of 20 feet, which are called 20-foot बेस. मतलब अगर आपकी बिल्डिंग जो होती है बेसिकली अपन 100 फीट की मानते हैं, लेकिन फिर भी अगर उसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो उसको किस तरह से डिक्रीज करना है कि मल्टीपल ऑफ 20 हो. मतलब 5 into 20, 4 into 4, 5 जो 20, या 5 4 जो 20, है ना, या 10 से मल्टीप्लाई कर लो 2 को, तो कुल मिला के 20 का मल्टीपल होना चाहिए. तो उसको क्या बोलते हैं अपन, 20-foot बेस. तो ये डेफिनेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कि व्हाट इज 20-foot बेस, है ना. द ट्रू बिल्डिंग लेंथ विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ 20-foot बेस प्लस 6 इंच. 6 इंच आपको ऐड करना पड़ेगा. सिंस ईच एंड बे इज 20 feet 3 inches, द बिल्डिंग इज 14 feet हाई एट द ईव एंड 20 feet 8 inch एट द रिज. अब रिज एंड ईव अपन रूफ ट्रस के केस में देखा था कि रिज किस तरफ आता है और ईव किस तरफ आता है, है ना. अपसाइड रिज होता है, डाउन साइड ईव होता है ना. अगर कोई तिरछी बिल्डिंग बनी हुई है जो टिल्टेड है एक तरह से, मान लीजिए आपने एक ट्रायंगल देखा है उसका एक साइड का जो उसका स्लेंट मान लो, है ना, स्लेंट साइड जो उसका टिल्टेड साइड है उसको ले लीजिए, तो उसका जो टॉप मोस्ट है वो क्या कहलाएगा, अपना रिज. और जो उसका डाउन साइड है बेस से जुड़ा हुआ है वो क्या कहलाएगा, ईव, है ना. तो अपने को क्या बोल रहा है कि बिल्डिंग की टोटल हाइट अगर ईव की साइड से देखा जाए तो 14 फिट होगी, और अगर रिज की साइड से देखा जाएगा तो 20 feet 8 inch होगी, ठीक है. और इसके अलावा क्या बोल रहा है कि अगर जो आप उसका एंड देखेंगे तो उसका एंड कैसा होगा, 20 feet 3 inches. तो दोनों तरफ से अपन को 3 3 inches देखना है, तो टोटल कितना हो गया, 20 feet 6 inch, और जो भी आपका एडिशनल हो, है ना. सो नेक्स्ट अपन आगे दूसरी क्लास में देखेंगे.